से लिखो टाइप। लिखेंगे इट इज अ टेंडेंसी, लिखेंगे इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स सेल्फ, टूवर्ड्स इट्स सेल्फ। क्लियर है ना? तो ये क्या है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है डिफाइंड है बेटा, वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड। तो किन मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइंड है, तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग क्या, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है राइट। और कोवलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइंड डिनोट करते हैं बेटा, गैस से। कैसे डिनोट करते हैं, गैस से। तो लेट्स सपोज क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, बाय द शेयरिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला एक एटम बी का ए शेयर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन किस बी शेयर किया हुआ है। क्लियर है? सो द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? और अगर हम ऐसा कहते हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं ऐसे कहता हूं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी है, क्या है, ए ग्रेटर देन बी, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो ए का टुकड़ा था और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए की ज्यादा है, कहने का ये मतलब है एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपना है, लेकिन ये जो बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा, ये अपनी तरफ थोड़ा पुश कर लेगा, खींच लेगा। तो क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये क्या होगा, थोड़ा सा किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ। तो थोड़ा सा मूव होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ए अपनी तरफ पुश करेगा, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव। जितना इस पे बेटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना इसके ऊपर डेल्टा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कुछ पार्शियल दिया है, ठीक है ना राइट, बी ने दिया और ए ने क्या है, लिया है, इसलिए इसको डेल्टा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल चार्ज। देखिए मॉर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज करेंगे। तो होगा क्या, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो आने की वजह से ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और बी के ऊपर पार्शियल क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा होगी किससे, ए से, और किससे नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पे, तो बी पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ए पे क्या आएगा, पार्शियल करेगा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया। क्या हो गया, पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब चार्ज आना, क्या आना, चार्ज आना। तो होगा क्या, जो कोवलेंट बॉन्ड था टू एटम्स के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से कुछ चार्ज आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। मेरे बेटा तो नोट कर लेंगे इसको फटाफट। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होगी उस एटम पे क्या आएगा, उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, और जिसकी इलेक्ट्रोनिक कम होगी बेटा उसके ऊपर पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकंड केस में बी की इलेक्ट्रोनिक ज्यादा मान होगी तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो बी के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और ए के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सभी को? तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझते हैं,
HCl, क्या है HCl, तो जो H है और जो Cl है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या है कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है हाइड्रोजन का क्लोरीन शेयर करता है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देता है हाइड्रोजन, और होता क्या है Cl के ऊपर क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है HCl में, तो क्या आंसर बोलेंगे Cl, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा होगी किससे हाइड्रोजन से, इसलिए क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और H पे क्या चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? अगर एक और एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, अब होता क्या है बेटा ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इससे हाइड्रोजन से, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्या हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बच्चों क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या लगेगा डेल्टा नेगेटिव, एक ही बार डेल्टा नेगेटिव लगाना है, अगर दो बॉन्ड से जुड़ा है तो भी आप इसको क्या लगाएंगे एक ही डेल्टा नेगेटिव, बट इस पर क्या लगाओगे आप डेल्टा क्या लगाओगे पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है? क्योंकि क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, हम ये कहेंगे कि डेल्टा नेगेटिव थोड़ा ज्यादा होगी, दोनों से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पर ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पे दो डेल्टा नेगेटिव नहीं, हम डेल्टा नेगेटिव क्या लगाएंगे एक ही लगाएंगे। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं अमोनिया, क्या है अमोनिया, तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन बटा दो नाइट्रोजन और तीन नाइट्रोजन, अब किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन को कितनी तरह अट्रैक्ट करने की, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ, ये वाला भी नाइट्रोजन की तरफ और ये वाला भी क्या होगा बेटा नाइट्रोजन की तरफ, तो इस पे क्या लिखेंगे डेल्टा नेगेटिव और इस पे क्या लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए पोलराइज हो गए, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा चार्ज इंड्यूस्ड होना, क्या हो रहा है चार्ज इंड्यूस्ड। अगर मैं ऐसे कहता आपसे कि H2 मॉलिक्यूल होता, अगर मैं आपसे कहता कि इस एच पे और इस एच पे क्या चार्ज आएगा तो क्या लिखेंगे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, तो ना इस पे कोई चार्ज आया ना इस पे कोई चार्ज आया, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर, इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत आगे जाके इसकी क्या बोलेंगे नॉन पोलर, यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हुआ, पोलराइजेशन का मतलब क्या बेटा सेपरेशन, क्या मतलब सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ क्या चार्ज। क्लियर? आपने सुना होगा जैसे जब कभी इलेक्शन होता है कैसे बोलते हैं पोलराइजेशन, वोटों का पोलराइजेशन होगी, राइट, ठीक है, मतलब सेपरेशन हो गया वोटों। क्लियर? और ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होता है इनको क्या कहेंगे पोलर, क्या बोलेंगे पोलर, तो जब कभी भी क्या होगा सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा मतलब एटम्स के ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे हम पोलर और इसको क्या कहेंगे नॉन पोलर। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ Cl2 जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों एटम्स क्या है सेम है, कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है पोलराइजेशन ऑफ क्या करती है चार्ज करती है, क्या करती है पोलराइजेशन ऑफ क्या करती है चार्ज करती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने दो प्रॉपर्टी सीखी थी, हमने ये बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्या था आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन क्या एंथैल्पी, अब वो दोनों क्या थी एनर्जी थी, तो दोनों की क्या होती है यूनिट होती है, बट ये टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, कम और ज्यादा कुछ वैल्यू में साइन जरूर करेंगे बाद में, बट कोई यूनिट नहीं होती, तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्या है यूनिटनेस होता है, क्या होता है यूनिटनेस, तो लिखेंगे इट हैज नो यूनिट होता,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई इमेज नहीं होती, तो इट इज यूनिटलेस। क्या है? यूनिटनेस। क्लियर बेटा? दूसरी बात क्या है बेटा, जो दोनों प्रॉपर्टी से पहले आपने डिस्कस करी थी, क्या था? आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? दैट इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक सिंगल एटम के लिए डिफाइंड था। बट ये किसके लिए डिफाइंड होगा? मॉलिक्यूल के लिए। एक सिंगल एटम्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड नहीं हो, तो लिखेंगे बेटा इट इज डिफाइंड फॉर कंबाइंड स्टेट, नॉट फॉर आइसोलेटेड एटम। बेटा इट इज डिफाइंड फॉर कंबाइंड स्टेट, मतलब ब्रैकेट में मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, नॉट फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम, नॉट फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए बेटा डिफाइंड नहीं होगी, इसके लिए डिफाइंड होती है मॉलिक्यूल्स के लिए या कंपाउंड के लिए, जो भी आप मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड। क्लियर है? दूसरी बात क्या है बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हमें अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है तो पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी और क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो दोनों वैल्यू आने के बाद ही हम उसकी क्या डिफाइन कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, En cannot be measured directly. En cannot be measured directly. En cannot be measured directly. It is calculated from other properties. It is calculated from other properties. It is calculated from other properties like आयनाइजेशन एनर्जी IE और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड एनर्जी एसेट्रा, बॉन्ड एनर्जी एसेट्रा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? राइट, तो लिखेंगे। अब क्या है, डिफरेंट स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना एक स्केल बनाया है टू मेजर एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो हमारे सिलेबस में या जो ज्यादा फॉलो होता है वो पॉलिंग स्केल है। कौन सा है? पॉलिंग स्केल है। बट आपको और रेफरेंस बुक्स में आपको दो और स्केल मिलेंगे, एक मुलिकन स्केल और एक एलरेड स्केल। क्या है? एलरेड स्केल। तो तीन स्केल है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट एनसीईआरटी पॉलिंग स्केल के बारे में जरूर गिवन है। राइट, क्लियर? तो लिखिए बेटा डिफरेंट स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए बेटा डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, तो पहला स्केल है पॉलिंग, PAULING, पॉलिंग। दूसरा है बेटा मुलिकन, MULIKAN, मुलिकन। और तीसरा है बेटा एलरेड। एलरेड रॉसो स्केल, ठीक है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? पहला वाला, क्योंकि इसके बारे में क्या है, हमें जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक में भी और स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। राइट, बट हम ये भी दोनों देखेंगे, बट मेनली कौन सा डिस्कस करेंगे हम? पॉलिंग स्केल, क्योंकि पॉलिंग स्केल की हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्लियर?
एनसीईआरटी में बिल्कुल डिटेल में नहीं है, एनसीईआरटी में कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, बट यहाँ पे हम फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे कि जेईई में फॉर्मूला भी पूछा गया हुआ है, क्लियर है, तो हम फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे और इनका एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, इनके हेल्प से हम और क्या कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो हेडिंग लिखे बेटा पहला कॉलिन स्केल, पहला स्केल है बेटा कॉलिन स्केल, फर्स्ट क्या है कॉलिन स्केल, तो जो पॉलिंग स्केल है बेटा वो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। हमने क्या लिखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा था, कौन कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड एनर्जी। तो जो मुल्टन स्केल, जो क्या कहते हैं पॉलिंग स्केल है वो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है, और जो मुल्टन स्केल है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर है। तो लिखेंगे बेटा दिस स्केल, लिखेंगे this scale depends upon bond energy of a molecule, this scale depends upon bond energy of a molecule, clear it up, right? Jaise for example agar hum yahan likhe a2 plus b2 gives 2a, let's suppose humne koi reaction likhi a2 plus b2 gives 2a, clear। अब ए ए के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो अगर इसको आपको तोड़ना है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे ई ए ए, क्या लिखेंगे ई ए ए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या ए और ए, क्या है ए और ए, क्लियर। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं H2 plus Cl2 gives 2HCl, तो जो ये है H2, तो HH को बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको क्या बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए या एच टू। सिमिलरली अगर मुझे क्या करना है बी और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी इसको लिख रहे बी ई बी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी डैश बी। और अगर मुझे ए बी को तोड़ना है तो इसकी जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे हम ई ए बी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई ए बी, क्लियर, नोट कर लेंगे बेटा साथ साथ। तो अगर हमें क्या करना है, हमें कोई रिएक्शन गिवन है तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब है उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, क्लियर है। तो अगर ए को तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी ए हो जाएगा, अगर बी बी को तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी बी बी हो जाएगा, अगर ए बी को तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा ए बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ए बी। अब क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि एग्जैक्ट वैल्यू हम किसी भी एटम की कैलकुलेट नहीं कर सकते करते हैं किसी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो हमेशा विद रेफरेंस ऑफ किसी और एटम की होती है, क्या होता है विद रेफरेंस ऑफ किसी और एटम की हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ किसी एक एटम की हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्लियर। सो दिस मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी निकालना है ए और बी का, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कैलकुलेट करूंगा डिफरेंस, क्या कैलकुलेट करूंगा डिफरेंस। तो पॉलिंग ने क्या कहा, ये रब कर दूं बेटा, क्या जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा रब कर दें क्या इसको, यस या नो बेटा, तो पॉलिंग ने क्या करा, पॉलिंग ने स्केल दिया, एक फॉर्मूला दिया बेटा, ऐसे लिखा चाहिए बेटा, जैसे हमने बोला था मोल फ्रैक्शन वाला चाहिए, तो वैसे ही चाहिए ए माइनस चाहिए बी इज इक्वल टू लिखा उन्होंने 0.208 अंडर रूट डेल्टा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है चाहिए ए माइनस चाहिए बी कितना है 0.208 इनटू क्या बेटा डेल्टा, अभी भी बता रहा हूँ डेल्टा क्या है बेटा, क्लियर बेटा। ये तब आपको लेना है जब डेल्टा की जो यूनिट है बेटा वो क्या होगा किलो कैलोरी पर मोल मीटर, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब डेल्टा की जो यूनिट है वो क्या लेंगे हम किलो कैलोरी पर, क्लियर। और यही फॉर्मूला साई ए माइनस साई बी इक्वल 0.107 और डेल्टा हो जाएगा
जब हम यूनिट लेंगे इसकी बेटा की किलो जूल पर मोल, तो जब हम किलो जूल पर मोल लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा, किलो कैलोरी लेंगे तो ये फॉर्मूला, जो ये है बेटा इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, चाई, ठीक है। तो ये क्या है, चाई ए, चाई ए का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या बेटा, ए एटम, और जो चाई बी है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या एटम क्या बेटा, बी। और ए बी आप समझते हैं, ए बी क्या था, अभी हमने लिया था ए का बी, ए बी मॉडल। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दोबारा बोलिए बेटा, देवांशी नहीं समझ में आया मुझे क्या कहना चाह रहे थे आप, क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, याद रखना ये क्या है, हम लिखे बेटा डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा क्या है बेटा, ठीक है, डेल्टा इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस क्या है, डेल्टा इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट के अंदर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, ये क्या है, डेल्टा, क्लियर है राइट, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए अंडर रूट के अंदर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए और बी बी। तो इसका मतलब जो कंप्लीट फॉर्मूला मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, अगर हम कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे तो डेल्टा के अंदर इसको लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना बेटा। यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू 0.208 लिखा है और अंडर रूट, एक तो ये अंडर रूट था, इसके अंदर क्या आएगा, ई ए ए ई ए बी माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, फिर से अंडर रूट ई ए ए इनटू क्या बेटा ई बी डैश बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है कि पॉलिंग स्केल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है राइट, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। सो दैट इज द फॉर्मूला विच इज used by Pauling to calculate electronegativity. ये formula किसने use किया है? Pauling ने। तो delta को बहुत बार वो जब use करता है, ठीक है ना right? Question में तो ऐसे बोलता है extra bond energy. क्या बोलता है? Extra bond energy. क्योंकि आपने bond energy क्या करा? रिएक्टेंट माइनस क्या कर दिया, ये प्रोडक्ट था और ये क्या था, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को किससे माइनस कर दिया, प्रोडक्ट से, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, बच गई। तो लिखेंगे डेल्टा इज नोन एज, डेल्टा को क्या बोलेगा, डेल्टा इज नोन एज एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा इज नोन एज एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी और आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जो डेल्टा है उसको बोला एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी या फिर बेटा क्या बोला, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। तो डेल्टा को दो वर्ड में यूज करता है वो, या तो बोलता है क्या एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी या क्या आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर है राइट। अब क्या है बच्चों, जो डेल्टा है और भी तरीके से डेल्टा हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट, एक तो डेल्टा का तरीका क्या था, ये वाला, ये फर्स्ट तरीका डेल्टा को कैलकुलेट करने, देयर आर अदर वेज बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा एंड पुटिंग द वैल्यू इनटू वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो एक तरीका था डेल्टा कैलकुलेट करने का, देयर आर अदर वेज बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट डेल्टा और यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखिए बेटा अदर मेथड टू कैलकुलेट डेल्टा,
तो यहाँ पे क्या करेगा डेल्टा। तो एक तो तरीका ये करेगा डेल्टा कैलकुलेट करने का जो भी हमने सीखा है। जो दूसरा तरीका क्या है बेटा, लेट्स सपोज हमने क्या लिखा था ए और बी। अब अगर हम ऐसे मानते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा ज्यादा है किससे बी से, तो ए पे क्या चार्ज आएगा बच्चों डेल्टा नेगेटिव की डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पे क्या आया नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आया। सो दिस मींस जो डेल्टा होगा वो पार्शियल चार्ज क्या होगा पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो अगर कभी आपको पार्शियल चार्ज गिवन है और पूछेगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट के लिए, तो पार्शियल चार्ज को आप किससे डिवाइड कर देना पूरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी थोड़ी कम। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या आएगा डेल्टा आएगा, क्या आएगा डेल्टा आएगा। तो ये पहला तरीका है और ये सेकंड वे है बाय विच वी कैन कैलकुलेट क्या बेटा डेल्टा। क्लियर है बेटा राइट। पार्शियल चार्ज अपॉन क्या बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी हम क्या कहेंगे डेल्टा कहेंगे, क्या कहेंगे डेल्टा। क्लियर है बेटा। अब ये जो थर्ड पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बेटा। ठीक है देखिए क्या है बेटा थर्ड पॉइंट, लेट सपोज क्या है बेटा ए और बी क्या था बॉन्ड था ए और बी के कोवेलेंट बॉन्ड, और अभी हमने लिखा था कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए पे क्या चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव और बी के पास क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है राइट। और अगर इस बॉन्ड लेंथ ये क्या है ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ, क्या बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो लेट्स सपोज ये बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा डी, क्या है डी। तो अगर मैं डेल्टा लिखता हूँ यहाँ पे डेल्टा को लिखता हूँ पार्शियल चार्ज इन डी अपॉन पूरा ई चार्ज इंटू क्या बेटा डी। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या चार्ज इंटू डिस्टेंस किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में चार्ज क्या है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है उसको आज से हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, क्या बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको डिनोट करते हैं बेटा म्यू से, कैसे डिनोट करते हैं म्यू से, दैट इज इक्वल टू क्या होगा चार्ज इंटू क्या बेटा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। क्लियर है राइट। सो क्या होगा चार्ज याद रखेंगे सिमिलर चार्ज के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा आप बोल रहे हो कि ये क्यू वन है और ये क्यू टू है और इसके बीच का डिस्टेंस डी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम लिखेंगे क्या लिखे चार्ज एक तो क्यू है और एक क्या है क्यू वन है और दूसरा क्या है क्यू टू। तो ऐसा नहीं होगा हमेशा क्या होगा अगर ए प्लस क्यू होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, तो एक अगर माइनस वन होगा तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा प्लस वन, एक माइनस टू होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा दूसरा प्लस टू। तो चार्ज सेम होना चाहिए बेटा। तो जो म्यू है वो क्या है डाइपोल मोमेंट क्या है ये प्लस क्यू और ये क्या है बेटा माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी। तो आप जो डाइपोल मोमेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा क्या लिखेंगे q into d। क्लियर है। तो जब आप चार्ज को डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम क्या बोलेंगे हम क्या कहेंगे उसको बेटा डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है। तो व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, और चार्ज क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए प्लस और एक माइनस। क्लियर है बेटा ठीक है। तो अब मैंने चार्ज इनटू डिस्टेंस कर दिया तो ये भी डाइपोल मोमेंट हो गया, और ये चार्ज इनटू डिस्टेंस कर दिया तो ये भी क्या हो गया डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको बोलेंगे ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि हमें पार्शियल चार्ज नहीं पता रहे कि कितना आया हाफ आया 1/4 आया 1/3 आया हमें नहीं पता रहे। तो ये वाली वैल्यू आपको हमेशा क्या होगी बेटा गिवन, बट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता होती है इसके चार्ज की वैल्यू,
ना, प्लस वन अगर प्लस है तो प्लस वन, प्लस है टू, टू है तो प्लस टू, ऐसे। और d आपको बॉन्ड लेंथ गिवन होगा, तो दिस मींस ये वाली वैल्यू तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, थ्योरेटिकल, और ये वाली वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन होगी। जो गिवन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। तो जो डेल्टा होगा वो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल। मतलब जो डेल्टा वैल्यू होगी वो क्या होगी, डाइपोल मोमेंट क्या एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर है? तो दिस मीन डेल्टा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा को लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू लिखेंगे ऑब्जर्व, क्या लिखेंगे न्यू ऑब्जर्व। और ऑब्जर्वेशन हमेशा कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट से, कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट से। तो न्यू ऑब्जर्व या क्या बोलते हैं उसको, न्यू एक्सपेरिमेंटल, क्या बोलते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय जो म्यू होगा वो क्या होगा, थ्योरेटिकल, या फिर जो आपने कैलकुलेट किया होगा, क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये, ठीक है। तो जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व और म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल या म्यू कैलकुलेटेड। जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हम तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट तो किसी और ने किया होगा, तो इसका ना ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की फॉर्मूले से, कैसे कैलकुलेट करनी होगी, फॉर्मूले से, ठीक है, राइट। तो ये वाली वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, क्या e into d, e भी गिवन होगा और आपको d भी पता होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो गिवन होगा, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा, ठीक है, राइट। और इस डेल्टा को बता, इस डेल्टा को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो इस डेल्टा को कहते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या कहेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्ट। तो व्हाट इज डेल्टा, परसेंटेज आयनिक करेक्ट, लेकिन तब होगा जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, तो पूछेगा बताइए परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताइए कितना होगा। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज क्या है, जैसे HCl, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मॉलिक्यूल कोवलेंट है कि आयनिक है, कोवलेंट। लेकिन बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% ना कोवलेंट होता है ना 100% क्या होता है, आयनिक। हर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ क्या होता है, आयनिक करेक्टर होता है और कुछ ना कुछ क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर। तो अगर इस मॉलिक्यूल में पूछेगा बताइए कितना आयनिक करेक्टर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में कितना आयनिक करेक्टर होता है उसका यही फॉर्मूला है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू क्या, थ्योरेटिकल इनटू क्या बेटा, क्लियर है, राइट। और इसको रूल को भी बाद में बोलेंगे, आदमी थे अजान जिन्होंने ये रूल दिया था, वो काफी पूछा था, क्लियर है बेटा। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कोई भी जैसे NaCl, अगर मैं आपसे पूछता हूं NaCl कोवलेंट है कि आयनिक है, आयनिक है, सॉल्ट है, के Na ने इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पार्शियल नहीं लिखते आप, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंप्लीट प्लस वन और कंप्लीट क्या लिखते हो, माइनस। लेकिन ये क्या है, अब इसमें जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तक हम कहते हैं ये आयनिक है, बट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ना ये कंप्लीट आयनिक है ना ये कंप्लीट क्या है, कोवलेंट है। हर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होगा और हर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ क्या होगा, आयनिक करेक्टर। तो कोई भी मॉलिक्यूल ना ये 100% कोवलेंट है ना ये 100% क्या है, आयनिक, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है या इसमें कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से। तो ये दूसरा तरीका है बेटा आपको क्या, डेल्टा कैलकुलेट करना। मतलब अगर वो डेल्टा की वैल्यू आपको गिवन हो क्वेश्चन में और पूछेगा बताइए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा ही, क्लियर। तो डिपेंडिंग अपॉन डाटा कि कौन सा डाटा गिवन है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं डेल्टा के। अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो ये लगाएंगे, अगर पार्शियल चार्ज गिवन है तो E बाय D लगाएंगे, E बाय सॉरी पार्शियल बाय E लगाएंगे। और अगर क्या है हमें, अगर हमें डायपोल मोमेंट गिवन है तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला, क्लियर है। और एक लास्ट है बेटा, फोर्थ है,
डेल्टा कैलकुलेट करने का तरीका है। तो लास्ट बेटा फोर्थ है, बाय विच वी कैन कैलकुलेट डेल्टा। तो डेल्टा कैलकुलेट करने का जो फोर्थ तरीका है वो क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या है बेटा, जो क्वेश्चन में क्या होगी गिवन होगी, माइनस बॉन्ड एनर्जी क्या बेटा कैलकुलेटेड या क्रिटिकल। ठीक है राइट, तो ये फोर्थ वे है बेटा बाय विच वी कैन क्या कैलकुलेट डेल्टा। अगर हमें बॉन्ड एनर्जी गिवन है, लेट्स सपोज आपको ऐसे गिवन है HCl, ठीक है राइट, HCl की आपका ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी गिवन है और कैलकुलेट आपने किया, कैलकुलेशन करने के लिए डाटा आपको गिवन होगा, हम आगे जाके करेंगे डिस्कस। तो अगर हमें ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों मिल जाए तो हम इन दोनों का डिफरेंस क्या कैलकुलेट करेंगे डेल्टा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा निकालने के कितने तरीके हुए बेटा हमारे पास, चार। पहला तरीका कौन सा था, वो अंडर रूट वाला, ये वाला फर्स्ट। दूसरा कौन सा था बच्चों, ये फर्स्ट था। दूसरा क्या था बेटा, पार्शियल डेल्टा बाय क्या बेटा टी। थर्ड था म्यू ऑब्जर्व कौन क्या बेटा म्यू कैलकुलेटेड। और फोर्थ क्या बेटा ये बॉन्ड एनर्जी। तो चार तरीके से हम क्या कर सकते हैं डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डाटा मिलेगा, क्या मिलेगा डाटा मिलेगा। क्लियर, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा यहाँ पे। देखिए पॉलिंग स्केल क्वेश्चन लिखेंगे बेटा यहाँ पे, पॉलिंग स्केल क्वेश्चन लिखेंगे, पॉलिंग स्केल of electronegativity of En लिख देंगे, Pauling scale of En of an element, Pauling scale of an En of an element helps to determine मतलब Pauling scale क्या करता है determine। First option है बेटा covalent nature of a molecule, covalent nature of a molecule। Second है बेटा position of an element, third option है बेटा dipole moment और D है बेटा polarity of a bond। तो फर्स्ट अगर होगा तो कट भी तो होना चाहिए। फोर्थ इज द मेन आंसर बेटा, क्योंकि सबसे पहले क्या बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल क्या बताएगा बेटा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पॉलिंग स्केल बेटा ठीक है ना राइट, अभी हम डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। तो जैसे बोल HCl, तो जो H की जो वैल्यू होती है पॉलिंग स्केल से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू गिवन है 3, कितनी गिवन है 3 और इसकी वैल्यू गिवन है 2.1। अब मुझे बताइए अगर इसकी वैल्यू 3 गिवन है तो Cl पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसमें क्या लिखोगे डेल्टा और इसमें क्या लिखोगे डेल्टा। तो इस डिफरेंस इन पॉलिंग स्केल की वजह से क्या पता चला, बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर। अगर ये दोनों 2.1 2.1 होता तो क्या बॉन्ड पोलर होता, नहीं, बॉन्ड क्या हो जाता नॉन पोलर। तो पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू है उससे क्या पता चलता है हमें, पोलैरिटी ऑफ क्या पता चलता है बॉन्ड। अगर ईएन की वैल्यू दोनों एटम की क्या है सेम है तो बॉन्ड क्या होगा नॉन पोलर, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या होगा पोलर, क्या हो जाएगा पोलर। ठीक है एक और लिख लिया क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी।
देखिए द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड इज 6 kcal/mol. द रेजोनेंस आयनिक एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, सी एच मतलब ऐसे लिखना सी डैश एच लिखना चाहिए, of CH bond is 6 kcal/mol. The electronegativity of H, the electronegativity of H is 2.1. इतना है, is 2.1. Then calculate En of Cl. Then calculate En of Cl. Then calculate En of Cl. Cl. वो आपको देखना, मैंने भी लिख पाया था, इसलिए सोच रहे हो. मैंने क्या लिखाया था, वॉट इज डेल्टा को क्या नाम दिया था? एक तो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी, दूसरा क्या नाम दिया था? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी. तो यहाँ पे डेल्टा क्या गिवन है आपको? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी. तो डेल्टा क्या गिवन है आपको? सिक्स. क्या गिवन है? सिक्स. क्लियर बेटा? वंस क्लियर है आपको? अंशुम क्लियर है? तो हमें क्या गिवन है? नाम मैंने इसीलिए बोला था बेटा, नेम इंपॉर्टेंट है. तो क्या बोला था, ये गिवन था आपको आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, तो डेल्टा की वैल्यू. बट यूनिट क्या है? किलो कैलोरी. तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 0.208 या 107? 0.20. तो बताइए बेटा क्या आंसर होगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे, साई ऑफ सी एल माइनस साई ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, एच. यानी साई ऑफ सी एल माइनस साई ऑफ एच इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट कितना बेटा, 6. तो 6 का अंडर रूट कितना आएगा लगभग बेटा, 2.6 है. 6 का अंडर रूट 2.6 है. रूट 6 की वैल्यू कितनी आई, 2.44. तो ये कितना होगा, 0.208 इनटू 2.44 है, 2.5 है. प्लीज बेटा बताइए कोई बात. तो साई ऑफ सीएल, साई ऑफ एच कितना बेटा, 2.1. तो बताइए साई ऑफ सीएल कितना आएगा बेटा, तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, कोई किलो जूल नहीं, कुछ नहीं. सिर्फ वैल्यू कितनी है इसकी, 2.1. तो डेल्टा की यूनिट है ये. अच्छा बात पूछा आपने कि डेल्टा का देना, बट आपने, हमने बेटा ये जो फैक्टर यहाँ लगाया ना, इस यूनिट हटाने के लिए लगाया. हाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करो उस यूनिट को रिकूप करने के लिए. अदरवाइज हम यहाँ रखते कि अगर किलो जूल में लिखना होता तो हम लिखते सीधे ऐसे लिख देते. तो ये क्या है, क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि इस फैक्टर का क्या मतलब है जो आगे लगा होता है. तो याद रखना इसका कि जो आगे जो फैक्टर होता है इसका यही मतलब होता है, इसको यूनिटलेस बनाने के लिए किसी फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, और वो फैक्टर क्या है, 0.20. तो किलो कैलोरी को यूनिटलेस बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 0.208. यही अगर किलो जूल को हमें यूनिटलेस बनाना था तो किससे मल्टीप्लाई किया था, 0.107. किससे किया था, 0.107. क्लियर है बेटा? लास्ट करेंगे इंपॉर्टेंट. तो ये जो फैक्टर है बेटा 0.208 या 0.107, इट इज मल्टीप्लाई टू रिमूव द, वी आर मेकिंग इट्स यूनिटलेस बेटा, उसको यूनिटलेस बनाना. तो ये बेटा क्वेश्चन एक और, कैलकुलेट ई एन ऑफ फ्लोरीन यूजिंग द डाटा. कैलकुलेट ई एन ऑफ फ्लोरीन यूजिंग द डाटा.
तो इस बार कौन सा हम निकालेंगे, चार में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड की फोर्थ, आंसर कौन सा फर्स्ट। और हाइड्रोजन के लिए तो क्या करना था, टाई एफ माइनस क्या बेटा, टाई क्या एच इज इक्वल टू कितना, यूनिट क्या किलो कैलोरी, तो क्या लगाएंगे 0.208 और अंडर रूट कितना चाहिए ये वाली डेटा। और चाई एच की वैल्यू क्या लिखेंगे 2.1, तो चाई ऑफ एफ माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.208 टू डेटा। कभी कभार आ जाएगी बेटा तो करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, रुचिका क्लियर है, रुचिका क्लियर है, दिवांशी क्लियर है आपको, आवाज आ रही है बेटा मेरी क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, राइट। ठीक है, लगभग 4 के आसपास वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है ना भाई, कोई डाटा की मुझे आप ज्यादा वैल्यू दे दी नहीं आती अपन, क्लियर है बेटा, राइट 4.4 ठीक है, राइट। तो बाकी इसमें कैलकुलेशन ही बेटा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देख बेटा नेक्स्ट तो अगर आप देखें जो पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू है राइट, ठीक है, वो रिलेटिव वैल्यू है, क्या है, रिलेटिव वैल्यू है, और आप समझ सकते हैं किससे रिलेटिव में वैल्यू निकाली गई है, हाइड्रोजन, क्लियर है। तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू पॉलिंग ने अज्यूम करी थी वो कितनी करी थी 2.1, कोई और वैल्यू भी अज्यूम कर सकता था, बट वो चाहता था कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, पॉजिटिव आए, क्या है पॉजिटिव, इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हाइड्रोजन से कम भी है, तो अगर वो हाइड्रोजन को जीरो मान लेता तो बाकी जिनकी कम है तो उनकी वैल्यू क्या आ जाती, नेगेटिव आ जाती। तो उसने ऐसी वैल्यू अज्यूम करी कि सच दैट सभी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज व्हाई ही अज्यूम इट एज एन 2.1। तो सारी की सारी जो वैल्यूज है जो हम देखेंगे यहाँ पे या भी हम लिखेंगे, दैट इज ऑल रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू क्या है, हाइड्रोजन। तो लिखे मैडम फर्स्ट पॉइंट, En कैलकुलेटेड बाय पॉलिंग स्केल, En कैलकुलेटेड बाय पॉलिंग स्केल is not absolute. En calculated by Pauling scale is not absolute, but it is a relative value. But it is a relative value. But it is a relative value that is with respect to hydrogen. That is with respect to hydrogen. Clear?
that is with respect to hydrogen full stop. En taken for hydrogen is 2.1. En taken for hydrogen is 2.1. En of other element is calculated with respect to hydrogen, and En of other element is calculated with respect to hydrogen. नहीं, सारे नहीं याद कर रहे, जो याद कर रहे हैं वो बताऊंगा आपको, वो याद कर ले और उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, खासतौर से किसकी याद होनी चाहिए, एलिमेंट से किसकी, हैलोजन्स की याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4, कितनी होती है, कितनी वैल्यू बेटा इसकी, 4। इसकी वैल्यू क्या कर देना, 3 कर देना, इसकी वैल्यू 0.5 कर देना, 2.5, इसकी वैल्यू होती है 2.8, 2.5 और इसकी 2.5। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो कौन से हैं, ये चार इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, जब आप इधर करेंगे ना तो इधर 0.5 कम करते चलेंगे, तो इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी 3 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, क्लियर बेटा, तो लिख लेंगे, बनानी है, बिल्कुल बनानी है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ठीक है, और मेडिकल के लिए सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो ऐसी याद करने की चीजें पूछता है मेडिकल में। तो सल्फर की वैल्यू होती है वो आयोडीन के लगभग बराबर होती है, कार्बन के बराबर होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है इसकी कार्बन से, 2.58 होती है, बट आप 2.53 है। फास्फोरस की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.1, और सिलिकॉन के अराउंड 2 होती है, कितनी होती है, 2। क्लियर है बेटा, राइट, करेक्ट। इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो ये होगा बेटा 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7। नॉन मेडिकल के लिए होता है ये इंपॉर्टेंट। ये नॉन मेडिकल के लिए पता होगा, ठीक है। और अगर मैं सिंपल बोलूं कि सिर्फ कितना याद रखना है, तो आप इतना भी याद रखने को भी काम। मेडिकल के लिए भी इतनी पूछेगा, ये सब नहीं पूछता वैसे यूजुअली, राइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पता होना चाहिए कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है बेटा, सेम। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कार्बन की इसके साथ सेम है सल्फर के साथ, और सल्फर की इसके साथ आयोडीन। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो एक तो ये हो गया, इनकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, सेम है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और किसकी, क्लोरीन है ना, नाइट्रोजन और किसकी,
So these elements have almost क्या बेटा same electronegativity, right? सेम है बट उसकी ज्यादातर बात नहीं करते बेटा, नॉन मेटल्स की ज्यादा बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, राइट। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो नॉन मेटल्स होते हैं जब लॉन्ग पीरियड आप मूव कर रहे हैं, देखिए ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि ये एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, हम यहाँ पे एक नया वर्ड बोलेंगे, ये एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हमने ये नहीं बोला कि दे आर लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, हमने क्या बोला दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इनको क्या बोला दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंट ना थी, क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है लेसर वैल्यू, क्योंकि तब हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बोलते, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इनर्ट गैस की क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, लिखेंगे इनर्ट गैस और नोबल गैस ईएन इज टेकन एज जीरो, और इनर्ट गैस for inert gas en is taken as zero, clear है? Right, so ye kaun sa scale tha beta, first scale tha that is falling scale, second scale likhe beta Mulliken scale, karenge beta bas khatam hai, isme zyada hai likhenge, ha dekhiye beta class hai abhi physics ki, aap physics ki do hai class आप ऐसे कर रहे हो बेटा, ठीक है, मैं एक जगह पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है, राइट, ठीक है, वो भी छोटे हैं, वो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, आप कितने घंटे क्लास आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कितने घंटे लगातार क्लास, चार घंटे लगातार, और वो रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने रिकॉर्डिंग भी डाली है ऑर्गेनिक पढ़ाने का, और 11th के बच्चे का अभी बताने वाले, तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो ना, जो दूसरे के बच्चे एक्सपेक्ट करता है कि वो इतना कर रहे हैं तो आप तो करेंगे ना, आपको तो और मैं चाहता हूँ कि आप और मेहनत करें, ठीक है, राइट। बीच में भी मैं गैप दूंगा बेटा, डोंट वरी, है ना, ठीक है। ये मुलिकन स्केल छोटा सा लिखे बेटा, मुलिकन स्केल एम यू, तो ये जो स्केल है बेटा ये किस पे डिपेंड होगा, दो प्रॉपर्टी पे, मैंने बोला था किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, लिखेंगे मुलिकन स्केल डिपेंड्स अपॉन, मुलिकन स्केल डिपेंड्स अपॉन IE and EA बता, IE and EA मतलब electron gain enthalpy, electron affinity, and it is average of these two, ये क्या है इन दोनों का क्या है बेटा average, and it is average of these two, so this means जो electronegativity है that is equal to क्या बेटा ionization enthalpy plus electron gain enthalpy divided by क्या बेटा डिवाइड बाय क्या है, क्लियर है बेटा। याद रखना ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब यूनिट दोनों की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, आई या डेल्टा एच, आई और डेल्टा ई की एच जो है बोथ शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो यूनिट है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अब क्या है जो मोलिकल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करी थी उसकी वैल्यू पॉलिंग से क्या है डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिंग का फॉर्मूला कुछ अलग था, इसका फॉर्मूला क्या है कुछ अलग, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी जाए बोलेगा मोलिकल स्केल में उसकी क्या वैल्यू है, तो कन्वर्जन ऑफ क्या मोलिकल टू क्या पॉलिंग स्केल, तो लिखिए रिलेशन बिटवीन मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल, देखेंगे रिलेशन बिटवीन मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूंगा कि आपने अगर इसे पहले देखा होगा उस सब में ज्यादा कैलकुलेशन थी बेटा,
बट इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होगी तो इसके आने की टेंडेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज्यादा होगी। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल। तो फर्स्ट है बेटा क्या, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल की होगी वो मुलिकन स्केल डिवाइड बाय क्या करना 2.8 क्या कर देना 2.8। तो क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग। चाई पी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल, चाई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन क्या बेटा। अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूँ कि फ्लोरीन की वैल्यू मुलिकन स्केल में कितनी होगी तो क्या आंसर करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन और इनटू 2.8। तो गिवन होने की अब जरूरत नहीं, क्लियर है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे बेटा पॉइंट टू फॉर्मूला इसका मतलब क्या है बेटा, अगर ये क्या था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ये किसकी थी, चाई है। तो यही अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाई पे लिखना चाहता तो क्या फॉर्मूला, अगर मैं इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पॉलिंग स्केल में लिखना चाहता और यूनिट स्केल में तो क्या फॉर्मूला, यहाँ लिखता मैं डेल्टा आई एच प्लस डेल्टा ई जी एच, नीचे क्या लिखता हूँ, तो आंसर क्या रहेगा 5.6। क्यों 5.6, क्योंकि 2 इंटू क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। ये क्या है चाई एम, तो यहाँ पे चाई एम कितना था, देखिए ये क्या था, ये था अपॉन कितना बेटा 2.8, और चाई एम को क्या लिखूं मैं, दिस प्लस दिस अपॉन कितना 2, सो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2.8, तो कितना हो जाएगा 5.6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो क्या है चाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा आई एच प्लस डेल्टा ई जी एच अपॉन कितना हो जाएगा 5. कितना हो जाएगा बेटा 6, कितना हो जाएगा 5.6। डेल्टा ई जी एच अपॉन कितना बेटा 5.6, समझ में आया 5.6 कैसे आया बेटा, क्लियर है ना। ये कितना था, इसको मैं x by m by 2 लिखता और ये 2.8 से मल्टीप्लाई होता तो कितना था 5.6। दो यूनिट और है जिसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो किसमें, किलो कैलोरी में, या किसमें, किलो जूल में। तो लिखेंगे दोनों और xp is equal to delta i h plus delta e g h upon 130 का। तो ये है यूनिट किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में। और जो चाय की है डेल्टा आई एच प्लस ई जी एच अपॉन कितना बेटा 540, ये आएगा किलो जूल पर कन्वर्जन होगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू किलो कैलोरी। क्लियर है बेटा, जैसे अगर ऐसे सीएल का आपको आई गिवन है और ईए गिवन है, ठीक है राइट, ये गिवन है आपको 13 और ये गिवन है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लोरीन के हमें क्या गिवन है, आईएसएन एनर्जी गिवन है कितनी 13.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी गिवन है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पूछेगा कैलकुलेट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल, तो आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो कैलकुलेट द क्वेश्चन लिखिए बेटा, कितनी आ गई ईएन ऑफ सीएल विल बी, ईएन ऑफ सीएल विल बी इफ आईई इज इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ईए इज 4 3.0। कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम, फर्स्ट वाला फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा जो IE गिवन है वो कितना गिवन है 13
प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी की बना 4 अपॉन कितना होता 5.6 तो 3. कर लेंगे ठीक है बेटा। फिर लास्ट क्वेश्चन आईटी में आएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है देखेंगे, इजी है कुछ नहीं उसमें, देखेंगे कुछ इजी है, फॉर्मूला याद रहता तो इजी रहता ठीक है ना भाई। देखेंगे अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल व्हिच इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल व्हिच इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल व्हिच इज करेक्ट। According to Mulliken scale, which is correct? First option is आसान है बेटा, ठीक है तुम्हें लगा रही है तो बहुत आसान है। आईपी में साइनेसिस पोटेंशियल बेटा, तो एनर्जी और पोटेंशियल का था सेम था, अगर आपको याद है वैल्यू क्या थी मैग्नीट्यूड क्या था सेम है। ये है क्या ना, सर मैं आया था इसी क्वेश्चन, बहुत इजी है बेटा इसमें, कुछ भी मैं वो नहीं है बेटा, कैसे कैसा छोटी क्लास की मैथ्स की लगी थी थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही है बेटा थर्ड ऑप्शन सही है। हर्षिता ने क्यों, हर्षिता क्यों आंसर होगा थर्ड? देखिए क्या होता है, फॉर्मूला था ई ए इज इक्वल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन थर्टा टू, यही था इक्वेशन ही तो है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा 2EN इज इक्वल टू IP प्लस क्या होगा E, दोनों को इधर ले आए तो ये क्या बना 2EN माइनस IP माइनस E इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं देगी है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या बेटा 2EN माइनस क्या बेटा ई आई पी माइनस ए भी और सेकंड में सेम हो जाएगा तो इससे चेंज कर देता हूं प्लस प्लस में यहां पे आई पी कर देता हूं और इसको ईएन कर देता हूं। क्लियर है बेटा राइट? तो ये था बेटा दोनों स्केल, थर्ड स्केल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है ठीक है। बट हम लोग अभी हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक खत्म नहीं हुआ, हमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन का मतलब हमें ये पढ़ना है कि कौन एसिडिक कौन बेसिक, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूरत पड़ेगी सब चीजों की क्लियर। तो अभी और ये गिवन भी है आपके एनसीईआरटी में, एप्लीकेशन गिवन इसका क्या कह रहे हो? ओके चलिए बेटा ठीक है, थोड़ी देर बाद बेटा फिर से कंटिन्यू करेंगे राइट। तो किसी को अगर ज्वाइन करना है, भूमिक आपको ज्वाइन करना है हिमांशु तो ज्वाइन करिएगा बेटा ठीक है राइट, सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है। हम लोग वो रिवाइज करेंगे बेटा, क्या कहते हैं रिवाइज करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा ठीक है बेटा। सर कितनी देर में? 12:20 बेटा, तो 12:30 करेंगे बेटा हाँ ठीक है राइट। 10 मिनट ओके सर थैंक यू। ओके बेटा हिमांशु आप भी ज्वाइन कर लेना बेटा ठीक है।